हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घर पे सीखो। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं काजू और बादाम की बर्फी। सबसे पहले काजू और बादाम निकाल लिया है, ऑलमोस्ट बराबर क्वांटिटी पे है, और इसको हम थोड़ा पल्प मोड में चला देंगे। और उसके बाद में हम इसका थोड़ा सा, या तो आप इसको काट लीजिए, तो पर पल्प मोड में चलाने पर क्या होगा ना, थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा सा कटा हुआ दोनों आ जाता है। फिर हम इससे मिठाई बनाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पाउडर और थोड़ा सा टुकड़े भी आ गए हैं इसमें कुछ, तो खाने में अच्छे लगेंगे। अब ये मैंने जो हम घी बनाते हैं ना मलाई का, उसी के खोवा भी ऐड करूँगी, और उसी कढ़ाई में इसको मैं पहले भून देती हूँ क्योंकि इसमें घी ऑलरेडी है। तो ये देखिए, मैं इसको भूने देती हूँ। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, खोवा एंड थोड़ा सा मिल्क, शुगर को मेल्ट होने के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मावा जो भी फ्रेश निकाला है मैंने, और ये है शुगर। तो चलिए सबसे पहले मावा डाल देते हैं, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको मिला देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने मावा मिला दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। शुगर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपने टेस्ट के हिसाब से। हम लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं, और ये शुगर ही मधुर शुगर थी, इसलिए मैंने कम डाला है। अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम थोड़ा सा इसमें दूध डाल रहे हैं, जिससे शुगर मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से ये पक जाएगा, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसको हमें इतनी कंसिस्टेंटली तक पकाना है जिससे कि इसका मिठाई जम जाए। फ्रेंड्स, चलिए इसको पकाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, देखिए, अब मैंने इसको इस कंसिस्टेंसी तक पका दिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम बर्फी जमाने के लिए एकदम सही। जब ये बबल छोड़ने लगे ना सीरा, देखिए, इसका मतलब है अभी पक गया है, देखिए। और अब हम इसको प्लेट में निकाल के इसमें जमा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बर्फी एकदम जमने के लिए तैयार हो गई है। अब इसको हम 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जल्दी सेट हो जाएगी। उसके बाद इसके पीसेस बनाएंगे फ्रेंड्स। और इस तरीके से आप बच्चों को भी खिला सकते हैं फ्रेंड्स, जो बच्चे काजू बादाम खाना पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए, बच्चे आसानी से खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना घर पे सीखो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ फ्रेंड्स, और यदि आपको कुछ लगता है कि हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, या आपको लगता है कि इसको और दूसरे तरीके से बना सकते, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें फ्रेंड्स। हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।